गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5 ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट ईबीएस सब्जेक्ट चैप्टर 20 हूज फॉरेस्ट, इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द पैराग्राफ विच वॉज सूर्यमणि तोरांग, विच वॉज ए ग्रुप और विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेंटर फॉर द हेल्प ऑफ अ कुडक कम्युनिटी और अदर पीपल ऑफ द विलेज. एंड then we have discussed about right to forest act 2007, and after that we have discussed about a letter of a class 10th girl from Odisha named Sikya write a letter to the chief minister, which we have already discussed. And today we start discussing about the map related to the forest present in India. In this map there are two type of forest given. First was very thick forest and second less thick forest. तो देखो ये map में दो तरह के forest दिए गए, पहला बहुत ही घना जंगल और दूसरा कम घना जंगल. ठीक है, तो जो देखा जाए तो डार्क ग्रीन कलर के तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं वो घने जंगल है. ठीक है, और जो लाइट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा वो लेस थिक फॉरेस्ट कहलाएगा. ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं उत्तराखंड में घने जंगल है. ठीक है, और गुजरात में हम देख सकते हैं तो बहुत ही कम जंगल है. ठीक है, तो लेस थिक जंगल और अगर देखा जाए तो घने भी नहीं है. ठीक है, इतने ज़्यादा कर्नाटक में है. इसके अलावा हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में घने जंगल है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत घने जंगल हमको देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, अब हमारा आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम. यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी एंड नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल ऑफ मिजोरम, सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज डन. तो देखो यहाँ पे लिखा है लॉटरी फॉर फार्मिंग जो है एक हेडिंग है दिया गया है, मिजोरम के बारे में दिया गया है. तो देखो इससे पहले हमने जो है सूर्यमणि की स्टोरी देखी. ठीक है, जिसमें हमने झारखंड के जंगलों के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, अब हम मिजोरम के जंगलों की बात करेंगे जो मिजोरम के पहाड़ों में है. ठीक है, और कैसे यहाँ के लोग रहते हैं और किस तरह से फार्मिंग करते हैं यानी खेती बाड़ी करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं. ठीक है, डिंग 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 हैज सून हैज द स्कूल बेल रैंग. ठीक है, लॉन्ग टी आ डिंगी एंड डिंगी मा पिक देयर बैग एंड हरी होम. ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो डिंग 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 यानी ये स्कूल की बेल बजी और स्कूल की बेल बजने के बाद ठीक है लोमटिया और डिंगी और डिंगी माँ, ठीक है डिंगी माँ जो है वो अपना बैग लेके घर की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए स्ट्रीम इन ए कप मेड ऑफ बम्बू विच वॉज कैप्ड देयर. और इसके अलावा वो बाजू यानी थोड़े आगे जाके जो है एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे पानी होता है. ठीक है, और वहाँ पे पीने का पानी वो अपने बैम्बू कप से पीते हैं. ठीक है, जो वहाँ पे रखा हुआ होता है. ठीक है, टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन इवन साइमा सर वॉज इन द हरी टू गेट बैक. ठीक है, और आज खाली बच्चे ही जल्दी नहीं थे कि अपने घर जाने के लिए. ठीक है, मगर साइमा सर जो थे वो भी अपने घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर रहे थे. ठीक है, टुडे देयर वुड बी ए स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल पंचायत. एट द मीटिंग देयर वुड बी ए लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग एंड द लैंड बिलोंग टू द होल विलेज नॉट टू सेपरेट पीपल. ठीक है, सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लैंड. ठीक है, अब देखा जाए तो एक स्पेशल मीटिंग रखी गई थी गाँव में, गाँव के पंचायत द्वारा. ठीक है, और इस मीटिंग में एक लॉटरी लगने वाली थी यानी लॉटरी का इंतजाम किया था जिसमें एक फैमिली को जो है कुछ जमीन मिल रही थी जिसमें वो फार्मिंग कर सकते थे. ठीक है, और जितनी भी ज़मीन वो गांव में थी वो सारी ज़मीन जो थी किसके लोगों की थी, किन लोगों की थी, तो गांव वालों की थी, पूरे सारे गांव वालों की थी. और हर लोगों को जो है अलग अलग ज़मीन यानी हर टाइम पे यानी जब भी ये मीटिंग होती थी उसके बाद अलग अलग ज़मीन जो है अलग अलग लोगों को दे दी जाती थी खेती बाड़ी करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर कोई यानी जितने भी ज़मीन थी उसका मालिक कोई एक नहीं था. ठीक है, यहाँ पर पूरा गाँव ही मालिक था और कोई भी जिसको जो ज़मीन मिलती थी उस हिसाब से वो खेती बाड़ी करते थे. ए ब्यूटिफुल पॉट मेड अप ऑफ बैम्बू वॉज सेकन वेल. ठीक है, और अब देखो
एक पॉट होता है ठीक है, और जो बैम्बू से बना होता है उसको अच्छी तरह से हिलाते हैं, जिसमें चिट रखी होती है ठीक है, यानी जितने नाम के लेटर रखे होते हैं वो उस नेम की चिट्ठी जो है वहाँ पे रखी होती है ठीक है। और उसके बाद उस बैम्बू पॉट को जो है जोर जोर से हिलाया जा रहा था ठीक है। और साइमा सर की जो फैमिली थी उनको पहला चांस मिला था ठीक है चीट उठाने के लिए, और ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट टू चूज फर्स्ट बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड ठीक है। और इसके अलावा साइमा सर खुश थे कि उनको पहला चांस मिला था, मगर वो बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे फैमिली का पहला नंबर आया, मगर इस साल मुझे ज़्यादा ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ठीक है। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल ठीक है। और वो बोलता है कि पिछले साल भी मैंने इतना सारा ज़मीन लिया था मगर मैं वहाँ पर अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर नहीं सका। After my sister Jiri got married, went away, it is difficult to manage farming alone. ठीक है। और इसके अलावा साइमा सर ऐसा बोलते हैं कि जब से मेरी दीदी Jiri की शादी हो गई ठीक है, उसके बाद जो है मैं अकेले खेती बाड़ी को संभाल नहीं पाता हूँ ठीक है। इस तरह की बात वो कर रहे थे ठीक है। साइमा सर asked for 3 tin of land and little मंथीना आग्स वॉट इज 3 tin ऑफ लैंड ठीक है। अब साइमा सर ऐसा बोलते हैं कि मुझे 3 tin लैंड चाहिए, यानी 3 tin जमीन चाहिए ठीक है। तो ये सुनते ही जो छोटी लड़की मथीना होती है वो पूछती है कि 3 tin ऑफ लैंड क्या होता है ठीक है। तो चाइमू जो है वो एक्सप्लेन करता है द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड ठीक है। अब इसके अलावा वो चाइमू ऐसा बताते हैं कि जिस जमीन पर हम 1 tin सीड का यानी जिसमें यानी 1 tin में जितने सीड भरे होंगे उतना हम खेती बाड़ी कर सकते हैं ठीक है। और उतने को यानी जितनी ज़मीन यानी 1 tin सीड जितने ज़मीन में लग सकता है उतनी ज़मीन जो है वो मांगता है ठीक है इस तरह का। और इसी तरह से साइमा सर ने 3 tin मांगे थे ठीक है, जिसमें वो 3 tin सीड को लगा सके ठीक है। और ऐसे करते करते जो है गाँव के सारी फैमिली को कुछ थोड़ा थोड़ा ज़मीन मिलता है ठीक है फार्मिंग करने के लिए। विच आर द स्टेट अराउंड मिजोरम, अब मिजोरम के आसपास कौन से स्टेट आते हैं वो देखना है। तो देखो ऊपर मैप दिया तुम चेक कर सकते हो ठीक है। और चाइमू ने ये बताया कि वहाँ पे ज़मीन को मेज़र किससे किया जाता था, तो टीन के मदद से किया जाता था कि 1 tin में जितना ज़्यादा सीड जितना सीड होगा उस हिसाब से कितनी ज़मीन लगेगी उस हिसाब से उसका मेजरमेंट होता था ठीक है। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन ड्रैंक वाटर इन बैम्बू कप, वॉट डू यू थिंक वुड हैव मेड दिस कप एंड would have made this cup and kept it in the forest why ठीक है। और इन्होंने मतलब देखो अब देख सकते हैं कि जो वुडन कप बनाया गया था वो जंगलों में क्यों रखा गया था स्ट्रीम के आसपास, तो हम देख सकते हैं कि उनकी स्कूल जो होगी वो जंगलों के आसपास होगी और इसीलिए जंगल के रास्ते में किसी को प्यास लग जाए इसलिए वहाँ पे ये चीज़ रखी गई थी ठीक है, जिससे वो पानी पी सके। झूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड हीज लेफ्ट हैज इट इज फॉर सम ईयर नथिंग इज ग्रोन हीयर द बैम्बू और वीड्स विल ग्रो विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल आउट एंड दे आर कट एंड बर्न ठीक है। अब देखो झूम फार्मिंग में क्या होता है, झूम फार्मिंग बहुत ही अच्छा फार्मिंग का टाइप है देख सकते हैं ठीक है। और इसमें एक बार जब फसल काट लेते हैं उसके बाद ज़मीन को ऐसे ही कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं ठीक है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जाता है और यहाँ पे या तो बैम्बू ट्री या तो वीड्स यानी घास उग जाती है ठीक है, जिसको निकाला भी नहीं जाता है ठीक है। और उसके बाद उसको कट किया जाता है और उसको जला दिया जाता है ठीक है, और जो राख बचती है ठीक है उससे क्या, तो देखो जो राख बचती है उससे क्या होता है ज़मीन और भी ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है यानी फर्टाइल बन जाती है ठीक है। वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब आग लगाई जाती है तो उससे आग जो है दूसरे यानी जंगल के दूसरे भाग में ना लग जाए उसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है ठीक है। और व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप नॉट प्लग ठीक है। और जब मतलब देखो ज़मीन तैयार हो जाती है उसके बाद उसको हल्के से खाली खोदा जाता है ठीक है, प्लगिंग नहीं की जाती, हल्के से थोड़ा बहुत खोदा जाता है ठीक है।
और उसके बाद उसमें सीड डाल दिया जाता है, ठीक है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, और एक ही फार्म में अगर देखा जाए, ठीक है, यानी एक ही खेत में जो है अलग अलग अनाज उगाया जाता है, जैसे यहाँ पे बाजरा उगाया जाता है, वेजिटेबल्स यानी वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, इसके अलावा मिर्ची या चावल उगाया जाता है, ठीक है। और वीड्स और दूसरे प्लांट्स को भी हटाया नहीं जाता है, ठीक है, और उसको खाली कट कर दिया जाता है मगर हटाया नहीं जाता है, ठीक है। सो दैट दे गेट मिक्स विद सॉइल, और उसके बाद क्या यानी इसको हल्के से कट कर देंगे तो वो चीज़ क्या होगी, तो मिट्टी के साथ मिल जाएगी, जिससे सॉइल और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर हेल्प देम एंड आर गिवन फूड, ठीक है। और अगर एक फैमिली वहाँ पे फार्मिंग करने में मतलब देखा जाए तो टाइम लगा दे रही है, तो उसकी मदद दूसरे गांव वाले करते हैं और उनको खाना भी देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ के मेन क्रॉप कौन से कहलाते हैं मिजोरम के, तो वो है चावल यानी राइस, ठीक है। आफ्टर इट इज़ कट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम, अब जैसे ही राइस के फसल यानी काटी जाती है उसके बाद उसको घर पे लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे रोड भी नहीं है, खाली पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी रास्ता, तो पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक, और इसीलिए लोगों को सारा यानी फसल जो है अपने पीठ पे लाद के लाना पड़ता है, ठीक है, और इसमें उनको बहुत हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही काम पूरा हो जाता है उसके बाद सारे गांव वाले जो है सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। और पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट सिंग एंड डांस, और उस समय पे जितना यानी जब मतलब काम पूरा हो जाता है गांव के लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उस समय पे लोग जो है इकट्ठा होके खाना बनाते हैं, खाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। और उनके डांस का एक नाम भी है चिराऊ डांस, ठीक है, और ये उनका स्पेशल डांस है। इन दिस डांस पीपल सीट इन द प्रेयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लोग जो है एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं, ठीक है, पेयर बना के, जोड़ी बना के, ठीक है। और होल्डिंग बैम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड, और बैम्बू स्टिक जो है वो नीचे जमीन पे अड़ा के रखते हैं, ठीक है। हैज़ द ड्रम बीट द बैम्बू आर बीटन टू द ग्राउंड, ठीक है, और जैसे ही ड्रम बजता है वैसे ही बैम्बू को जो है ग्राउंड में मारा जाता है, ठीक है। और फिर डांसर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इन और आउट होते रहते हैं, ठीक है, इस तरह का होता है, और बैम्बू स्टिक को ग्राउंड में मारते रहते हैं ड्रम के बीट के हिसाब से, और उस हिसाब से ही वो डांस भी करते हैं, ठीक है। अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट, अब देखा जाए तो अगर मिजोरम के सारे लोगों को 4 पार्ट में बांट दिया जाए तो उसमें से 3 पार्ट जो है आज भी जंगलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, अब मगर यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली है, यानी यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, और मगर यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, ठीक है। यू कैन सी सम ऑफ देम हियर, ठीक है, और यहाँ पे इस पिक्चर में तुम देख सकते हो बहुत सारे बच्चों को जो मिजोरम के बच्चे हैं, ठीक है, ठीके? और वो क्या कर रहे हैं, तो पत्तों की सीटी बना के बजा रहे हैं, ठीक है, इस तरह का। और यू टू हैव मेड मैनी सच विसल हैवंट यू, ठीक है, और तुमको भी इसके बारे में पता ही होगा, पहले के बच्चे जो है ये सब चीज़ें किया करते थे, ठीक है, पत्तों से जो है सीटी बनाया करते थे, फिर उसको बजाया करते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बाय बच्चों।